हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। इस वक्त फतेहाबाद से बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी की रैली के लिए हटाई गई हैं झुग्गियां। बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा झुग्गियों को हटा दिया गया है और झुग्गी वालों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। झुग्गियां हटाने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, ये भी आरोप लग रहा है। आपको बताया 8 मई को फतेहाबाद में पीएम मोदी की रैली होनी है और उसके लिए 100 से ज्यादा झुग्गियों को वहां से हटा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, झुग्गी वासियों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि लाठी चार्ज तक किया गया। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पीएम मोदी की रैली के लिए झुग्गियां हटाई गई हैं। जितेंद्र मोंगा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। जितेंद्र, झुग्गियां कितनी थी और ये क्या इलाका है, क्या ये अवैध कब्जा था और क्या प्रशासन ने इनको पहले वार्निंग दी थी हटाने के लिए या नहीं? ये हुडा की जमीन पर ये जो झुग्गियां बनी हुई थी और प्रधानमंत्री का जो दौरा फतेहाबाद में 8 तारीख को है उसको लेकर ये झुग्गियां हटाई गई है। नारेबाजी में झुग्गियों द्वारा झुग्गी के जो लोग हैं उनके द्वारा की गई। उनका कहना था भी अचानक से ही पुलिसकर्मी आए और जल्दबाजी में उनकी झुग्गियां हटाई गई, उन्हें कोई भी चेतावनी जो पहले नहीं दी गई थी और वो बेघर हो गए हैं और वो बसेरे के लिए अपनी जगह वो ढूंढ रहे हैं। जी कितने सालों से यहाँ पे ये झुग्गियां हैं? अगर सालों की बात की तो लगभग 5 से 7 साल हो गए हैं झुग्गियों को यहाँ बने हुए। लघु सचिवालय के सामने ही इनकी झुग्गियां ये स्थापित थी और यहाँ पीएम मोदी की रैली के चलते झुग्गियां हटाई गई। तो जहाँ झुग्गियां थी क्या वहीं रैली होनी है? इससे कुछ दूरी पर जो रैली होनी है, हालांकि प्रशासन का कहना है अभी पार्किंग के लिए स्थल है तो यहाँ बनाया जाएगा और सुरक्षा के दृष्टिगत ये जो निर्णय उनके द्वारा लिया गया इन झुग्गियों को यहाँ से हटाया जाए, जबकि रैली स्थल यहाँ से काफी दूरी पर स्थित है। रैली स्थल वहाँ से कितनी दूरी पर है? रैली दल जो रैली स्थल है वो कहा जा सकता है अभी यहाँ से लगभग 0.5 किलोमीटर दूर वहाँ पे उनका पड़ता है। तो यहाँ पे क्या ये पार्किंग के लिए जगह बनाने की कोशिश है, उस सिलसिले में झुग्गियां हटाई गई हैं या इसलिए हटा दी गई ताकि मीडिया की नजर ना पड़े, प्रधानमंत्री की नजर ना पड़े, बड़े जो नेता केंद्र से आ रहे हैं उनकी नजर ना पड़े? इस संबंध में जब डीएसपी महोदय से बात की गई तो उन्होंने सुरक्षा का हवाला जरूर दिया है, इसके अंदर भी सुरक्षा के दृष्टिगत ये झुग्गियां जो हटाई गई हैं और यही उन्होंने हवाला फिलहाल दिया है। हालांकि लोगों का कहना था कि बल का प्रयोग भी किया गया, एक महिला ने कहा भी उनके डंडे भी बरसाए गए, हालांकि पुलिस द्वारा इस बात को नकारा जा रहा है, अभी इस प्रकार का कोई भी बल प्रयोग नहीं किया गया। तो वहाँ जितनी झुग्गियां थी सबको हटा दिया गया है? या सब झुग्गियों को हटा दिया गया है और वो दर बदर ढूंढ रहे हैं अभी कहीं और अपनी झुग्गी को वो स्थापित कर सके। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या उनको ये प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिला है कि ठीक है प्रधानमंत्री की रैली खत्म हो जाए उसके बाद आके वापस अपनी झुग्गियां लगा लेना, या उनको ये कह दिया गया है कि अब आपको यहाँ लगाना ही नहीं झुग्गी? जी उन्हें कोई भी आश्वासन नहीं मिला है, झुग्गी वालों का यही कहना है उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला है और वो सुबह जैसे ही अचानक वो खाना खा रहे थे उस वक्त पुलिसकर्मी आए, उन्होंने कहा आप जल्दी से यहाँ से निकलिए, उन्हें खाना भी नहीं खाने दिया गया, तुरंत प्रभाव से अपना सामान बदर भटक रहे हैं और खाली जगह ढूंढ रहे हैं और कोई आश्वासन की ओर से नहीं मिला। तो ये कौन से लोग हैं, क्या इनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज तक आवास ही नहीं मिले इन लोगों को? इनका कहना है अभी वोट उनके बने हुए हैं, जिन झुग्गी कर्मी वालों से जो बात हुई उनका कहना था अभी वोट उनके बने हुए हैं लेकिन आवास उन्हें जो नहीं दिए गए, अब इस बात को लेकर भी क्या डॉक्यूमेंट उनके पास है उसकी जो प्रशासन द्वारा ही जांच इस मामले में की जा सकती है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको कि 8 मई को फतेहाबाद में पीएम मोदी की रैली होनी है और उसकी वजह से यहाँ जो झुग्गियाँ थीं उन झुग्गियों को हटा दिया गया है। एक तरफ इतनी सारी सरकारी योजनाओं का हम जिक्र करते हैं। चलिए डॉक्टर संजय शर्मा बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय जी एक बात बताइए कि पीएम की रैली होनी है, मोदी साहब आ रहे हैं और फतेहाबाद में 100 से ज्यादा झुग्गियों को हटाया गया है, ये क्यों हटाया गया है, किस कारण हटाया गया है, इसके बारे में आपको कोई जानकारी? गौरव जी अभी तो मुझे कोई जानकारी नहीं है लेकिन क्योंकि अगर कोई रैली हो रही है, अगर वहाँ इंक्रोचमेंट है कोई, अगर लोगों ने कुछ ऐसे स्थानों के ऊपर कब्जा किया हुआ है जो सरकारी जमीन है, उसको हटाना ये प्रशासन का काम है, प्रशासन अपना काम कर रहा होगा।
तो ये प्रशासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली से पहले ही जागा? पिछले 7-8 सालों से वो वहां पे हैं, लगभग 5 साल आपकी सरकार को भी होने जा रहे हैं, थोड़े दिनों में हो जाएंगे, तो ये प्रशासन को क्या आज ही नजर आ रहा है? सचिवालय के पास में है, ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसी जगह पे है जो जहां अधिकारी नहीं देखते होंगे, नेताओं की नजर नहीं पड़ती होगी? नहीं, बिल्कुल अधिकारियों ने समय पर अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कोई एनक्रोचमेंट करके बैठा है कहीं पर, सरकारी जमीन पर कोई उपचार करके बैठा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर व्यक्ति के लिए घर हो इसके लिए योजना बनाई है, और बहुत से जो ऐसे बेघर लोग थे या ऐसे अशानों में रहते थे जिसके कच्ची झोंपड़ियां हैं या कुछ है, उन सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आशियाने उपलब्ध कराए हैं, हरियाणा की सरकार ने। अगला सवाल दरअसल मेरा यही था संजय जी, जिसका जवाब आपने जिक्र आपने अभी कर दिया कि अगर प्रधानमंत्री आवास योजना या बाकी जो आपकी वेलफेयर स्कीम्स चलती हैं, अगर वो जमीन पर उतरी तो इन तक क्यों नहीं पहुंचे? गौरव जी, आप भी इस बात को समझते हैं कि कोई भी योजना है, ऐसा तो नहीं है कि घोषणा करते ही वो एकदम इंप्लीमेंट होकर के और नीचे बन जाएगा। अगर किसी का घर भी बनना है तो उसको बनने में भी समय लगता है, और हमने ये तय किया था कि हम चरणबद्ध तरीके से मकान बनाते हुए 2022 तक इस देश के अंदर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसकी अपनी छत नहीं होगी, जो अपना मकान नहीं होगा। अच्छा, मतलब 5 साल में इनका नंबर नहीं आया होगा, इनका नंबर आएगा ये सोचे? ये स्वाभाविक रूप से मैं यही तो बात कहना चाह रहा हूँ, निश्चित रूप से सबके लिए आएगा, लेकिन वो जितने लोग बेघर हैं सबके लिए एकदम बना करके तैयार कर देना संभव ही नहीं है किसी तरीके से। अभी ये कहा जाए, क्या इसका इंतजाम करना प्रशासन की सरकार की जिम्मेदारी नहीं है क्या? आपने बिना नोटिस के, ये लोग आरोप लगा रहे हैं संजय जी कि इनको बिना नोटिस के, बिना चेतावनी के अचानक पुलिस आती है और सारी चीजें उखाड़ कर फेंक देती है, सारा सामान तितर बितर हो गया। अब 100 झुग्गियां, मतलब आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं, ये जाएं कहां? देखिए गौरव जी, देखो मुझे क्योंकि आपने अभी फोन पे लिया है और इसकी क्या परिस्थिति है, पहले इनको नोटिस दिए गए हैं कि नहीं गए, पहले इनको हटाने की कोशिश की गई है कि नहीं की गई है, चुनाव से पहले कोई की गया नहीं, मुझे वर्तमान में जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन जरूर प्रशासन को ये करना चाहिए कि नियम कायदे के हिसाब से ही सब लोगों को हटाना चाहिए। चलिए, आप जानकारी थोड़ी जुटा लीजिए, आपके पास दोबारा हम संपर्क साधेंगे, बहुत शुक्रिया आपका। तो फतेहाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, एक तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना है तो दूसरी तरफ 100 झुग्गियों को एक झटके में उखाड़ कर फेंक दिया गया और प्रधानमंत्री आने वाले हैं इस वक्त में इन झुग्गियों पर कार्रवाई करने के बाद कई सवाल उठते हैं। तरुण भंडारी साहब कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। तरुण जी, ठीक है, अगर ये झुग्गियां अवैध बनी हैं, फतेहाबाद की बात कर रहे हैं, अगर ये झुग्गियां अवैध हैं तो 5 सालों में पुलिस वालों को, प्रशासन के लोगों को ये झुग्गियां क्या नजर नहीं आई? प्रधानमंत्री के आने से ठीक पहले ये 100 झुग्गियां बिना चेतावनी की, क्योंकि वहां के लोग कह रहे हैं कि हमें कोई नोटिस नहीं मिला, कोई चेतावनी नहीं मिली, ये लोग कहां जाएंगे सर? बिल्कुल, जो ये मोदी जी की रैली के कारण गरीब लोगों के घर उजाड़े जा रही है, उनको घर से बेघर किया जा रहा है, उनके बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कुछ बीमार लोग हैं, ये बड़ा निंदनीय वाक्य है। आज देश के प्रधानमंत्री की रैली के लिए गरीबों के घर उजाड़े जाते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। अगर वो अवैध भी थे तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि 5 वर्ष तक वो वहां क्यों नहीं उनको याद आया कि ये अवैध कॉलोनी है और इसको हटाना है। जब नरेंद्र मोदी जी की रैली आती है उस जगह को खाली करवाने के लिए उनके घरों को उजाड़ा जाता है, ये मानसिकता इनकी दर्शाती है कि गरीबों के प्रति इनका क्या रुझान है और उन्होंने गरीबों के लिए क्या किया। ये गरीबों को, चाहे गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, सबको इन्होंने उनकी रोजी रोटी के ऊपर लात मारने। सर एक बार बताएं तरुण जी कि अब प्रशासन ये कह रहा है, प्रशासन ये तर्क दे रहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि यहाँ से महज आधे किलोमीटर दूरी पर रैली स्थल है, ऐसी कार्रवाई की गई, लेकिन क्या अगर आप ऐसी कार्रवाई करते हैं तो क्या आपको उनको पहले नोटिस नहीं देना चाहिए, उनको चेतावनी नहीं देना चाहिए, और अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था हो, ये सुनिश्चित करना क्या सरकार का और प्रशासन का काम नहीं है? पहली बात, सुरक्षा के कारणों से किसी का घर उजाड़ना ये बड़ी गलत बात है। अगर आज कहीं दिल्ली में कार्यक्रम हो नरेंद्र मोदी जी का, तो क्या वहां आसपास के घरों को खत्म किया जा सकता है? ये गलत बात है। और दूसरा, आपकी बात बिल्कुल सही है कि उनको नोटिस देना चाहिए पहले,
10 दिन की हम आपके घर को उठाएंगे, आप अपने वैकल्पिक कहीं भी व्यवस्था कर लीजिए। अगर आपका बच्चा है, बूढ़ा है, हर आदमी का ध्यान रख के ये काम करना चाहिए था। आज ये झूठ बोल रहे हैं। इन लोगों को पता है कि गरीब लोग इनको वोट नहीं डाल रहे, गरीब लोग इनके हक में नहीं है, इसलिए ये इन लोगों पे कार्रवाई हुई है। आज बुखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी हर तरफ इनका विरोध हो रहा है, तो ये लोगों को उजाड़ने, धमकाने, डराने में लगी हुई है, जो कि एक प्रजातंत्र में बहुत निंदनीय है और ये प्रजातंत्र में स्वीकार नहीं हो सकती। ठीक है तरुण जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप भी सरकार का हिस्सा रहे हैं, आपकी पार्टी की भी सरकार रही है, तो ऐसे में सरकारें क्या प्रशासन पर ये दबाव बनाती हैं, क्या उनसे पूछती नहीं है कि अगर आप ये आनन पालन में कार्रवाई कर रहे हैं तो क्या सरकार को ये पूछना नहीं चाहिए कि भाई वैकल्पिक व्यवस्था क्या, ये जाएं कहां ये लोग? मैं आपको बताता हूं, अगर पंचकूला में हमारे हरियाणा की सरकार जब कांग्रेस की थी तो पंचकूला में भी कई गरीब बस्तियां थी जो असंवैधानिक थी और अवैध थी। हमने उनको उनकी वैकल्पिक व्यवस्था करवा के उन कॉलोनियों को खत्म करने का काम किया। आज वो अच्छे अच्छे फ्लैटों में रह रहे हैं। इस ढंग से अगर कहीं भी हरियाणा में ऐसी कोई व्यवस्था प्रशासन ने करनी है तो सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी गरीब आदमी के ऊपर से छत नहीं उड़नी चाहिए। उनके बच्चों की, उनके बूढ़ों की, उनके खुद की सबकी व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था करके इनको हटाना चाहिए था। ये बड़ा निंदनीय है और प्रशासन। अब आप लोग क्या करेंगे सर? ठीक है, चैनलों पर आके बोलना तो ठीक है, एक बात है, अपना विरोध दर्ज कराना ठीक है, लेकिन कांग्रेस का क्या इस पर कोई स्टैंड होगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। क्या ग्राउंड पर इन लोगों की मदद करने के लिए क्या आप लोग या विपक्ष के बाकी लोगों को आपको लगता है, दिल पर हाथ रख के पूछिए कि जाना चाहिए आप लोगों को, नहीं जाना चाहिए, सिर्फ चुनावी कारणों से नहीं, वैसे भी अगर 100 झुग्गियां हटाई गई हैं तो कितने सारे परिवार बेघर हो गए, और इनको अभी अगर व्यवस्था चाहिए, इनको अगर मदद चाहिए, तो क्या विपक्ष का ये काम है कि वो जाए, इनके हक की आवाज भी उठाए और मदद भी करे? बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी इन जो भी घर ये इनको बेघर किया गया, पूरी हम इनकी मदद करेंगे। ये सिर्फ राजनीति के कारण नहीं, सामाजिक तौर पे भी हमारा दायित्व बनता है और हर आदमी का दायित्व बनता है कि जिस परिवार को, गरीब परिवार को कोई सहायता की जरूरत हो तो करनी चाहिए। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि हम इन लोगों की मदद करने के लिए तैयार है और हमारा कोई ना कोई नुमाइंदा वहाँ जरूर जाए। चलिए, आप साधुवाद के पात्र हैं अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।